जबलपुर में शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां लगभग 70 छात्राओं को ब्लैकमेल किया गया है। मामला जबलपुर के थाना मदन महल क्षेत्र का है, जहां ज्ञात व्यक्ति द्वारा AI से जनरेट की गई न्यूड तस्वीरें छात्राओं के मोबाइल पर भेजी जा रही है। 2 सप्ताह से चल रही इस घटना में छात्राओं से पैसे मांगे जा रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा इकाई ने महाविद्यालय में प्रदर्शन किया है और कार्रवाई की मांग की है। पहले एक कॉल आया था, उसने बोला मैं गोरखपुर थाने से ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको एक व्हाट्सएप आया होगा, उसमें लिंक होगी, आप वो लिंक पे ओपन करें, उसमें OTP आएगी, जो भी आएगा वो आप मुझे सेंड करें। और मतलब वो फिर न्यूड वीडियोस भेजता है और उसमें बोलता है कि आपकी रिपोर्ट, आपके खिलाफ कंप्लेन है, रिपोर्ट आई है, आपका इसमें फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको नाम हटवाना है तो आप मुझे पैसे भेज दो, वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपके फैमिली में पता चलेगा, फिर आपकी बदनामी होगी, मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा ऐसा वो बोलता है। तो कई लड़कियों के पास फ़ोन आया था, तो मतलब जो हम लोग का ग्रुप है कॉलेज का, उसमें हम लोग ने कंप्लेन भी की थी, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ये बोला कि बस ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो। उसके बाद हम लोग ने अपने NSS की, हमारी मैम ने उनसे रिपोर्ट मतलब बताया था, तो फिर मैम ने हम लोग को साइबर सेल भेजा था। पहले तो मेरे पास कॉल आया, बोलता है कि मैं विक्रम गोस्वामी, तो बोलता है फिर हाय मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा ये अच्छा लगता, तुम्हारा वो अच्छा लगता, पूरा खुल के बताया। फिर गंदी गंदी वीडियो भेजने लगा व्हाट्सएप में, और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर वायरल कर दूँगा, तुम मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा, तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा अगर तुमने पैसे सेंड ही नहीं की हो तो। 3,000 बोल रहा था, पर मैं और मेरी सिस्टर थी तो डर के मारे मैंने 1500 वध कर दी रही, तो उस टाइम मम्मी नहीं थी, नहीं तो शायद मम्मी मना करती। बस वो वीडियो फोटो वगैरह है मेरे पास, लड़की की फोटो है। आज हम सभी ने यहाँ पे छात्राओं के बीच में मानकुंवर बाई कॉलेज में इसीलिए प्रदर्शन किया क्योंकि हमारे सानिध्य में ऐसा एक मामला आया कि कोई भी एक छात्र के द्वारा ऐसा फ़ोन किया जा रहा है और वहाँ से बोला जा रहा है कि तुम्हारी कुछ न्यूड पिक्चर्स हैं मेरे पास, कुछ ख़राब वीडियोस हैं और मैं उनको लीक कर दूंगा, और जब उसके बाद भी वो छात्रा थोड़ा टालती है, नहीं सुनती है, इग्नोर करती है, तो वो उनको धमकी देता है कि मैं आकर तुम्हारे घर में ये बात बता दूंगा मम्मी पापा से, तो फिर वो छात्राएँ डर जाती हैं और उनसे 6,000, 10,000, 40,000 ऐसे पैसों की मांग की जाती है। ऐसी 70 से अधिक छात्राओं ने पैसे दे भी दिए हैं उनको, और अभी तक ये मामला हमें आज पता चल रहा है, 2 हफ्तों से चलता हुआ, जब आज हम कैंपस के विजिट के लिए आए तो हमें पता चला, तो हमने यहाँ पे एक बृहद आंदोलन किया। अब जानकारी तो उन्हें होनी चाहिए, अब वो EHM माने या फिर नहीं माने, बच्चे तो बोल रहे हैं कि हमने टीचर्स को बताया है ये बात, लेकिन फिर भी टीचर्स डिनाई कर रहे हैं, तो अब ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन प्रिंसिपल को ये बात पता होनी चाहिए थी। 2 हफ्तों से अगर ये बात चल रही है तो वो उन्हें नहीं पता था, पता है ये बात अलग है, लेकिन उन्हें पता होनी चाहिए थी, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारे महाविद्यालय में छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया, उनकी ये मांग थी कि उनके मोबाइल पे कोई व्यक्ति जो है उनके से डिमांड करता है पैसे की और फ़ोटो वगैरह उनकी मांगता है, बच्चियां बेचारी छोटी अनजान है। उन्होंने मुझे जो जानकारी आज मिली कि इतनी सारी लड़कियों से, ये मुझे पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ने वाली प्राचार्य हूँ और अभी भी मैं SP ऑफिस क्राइम ब्रांच जाकर बच्चों की शिकायत को वहाँ दर्ज कराऊँगी, और यदि यहाँ निराकरण नहीं होगा तो मैं भोपाल तक जाऊँगी, क्योंकि मुझे, मैं एक महिला महाविद्यालय में हूँ और मेरा दायित्व है कि बच्चों की समस्या, यदि इस प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो उसका अंत होना चाहिए। तो 2 लड़कियाँ आई थी, दोनों की उन्हें शिकायत दर्ज कराई, बाकी आज जितने भी छात्राएं आई हैं उनके लिए मैं स्वयं महाविद्यालय प्रशासन की ओर से लड़ाई। अब देखो क्या होता है, बच्चों को जब सूचनाएं दी जाती है ना, तो वो अपना कौन सा टेलीग्राम वगैरह रहता है ना, उसमें सामूहिक सूचना दी जाती है कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपका ये हो रहा, तो उससे कोई भी लड़की ऐसी भी हो सकती है कि जो किसी को बता दी हो, है ना, इसलिए अपन लोग इतने अच्छे से नहीं जान सकते हैं। तो ये मैं इस बात में संज्ञान लूँगी कि बच्चों के नंबर कैसे लीक होते हैं, क्योंकि अपन ने बच्चों के लिए पोर्टल बनाया है, सभी के लिए तो है नहीं उसका उपयोग, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है, जो भी कर रहा है उसको मैं सजा दिलाकर रहूँगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है, लेकिन जब बात सुरक्षा की हो और महिलाओं की हो तो आखिरकार हम कहाँ खड़े हैं, यह सवाल अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां जबलपुर के एक सरकारी महिला कॉलेज में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लगभग 70 छात्राओं को धमकी दी जा रही है।
किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छात्राओं के फोन पर अश्लील तस्वीरें भेजी जा रही है जो कि एआई द्वारा बनाई गई है। इस घटना का सिलसिला 2 हफ्तों से जारी है जिसमें छात्राओं से पैसे मांगे जा रहे हैं और उन्हें वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही है। मामला जबलपुर के मदन महल थाना पुलिस के संज्ञान में आया है और अब पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। मान कुंवर बाई कॉलेज जो कि थाना मदन महल अंतर्गत है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और वहाँ जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं उनकी तरफ से एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास कुछ फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं जो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और उस फ्रॉड कॉल के बदले में उनसे कुछ डिमांड की जा रही है और अगर डिमांड कम्प्लीट नहीं होती है तो कुछ फोटोज़ वीडियोज़ हैं, इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है। संपूर्ण शिकायत को अभी लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो शिकायत दी है उसकी जाँच की जा रही है और उनसे अभी तक तो मामला साइबर फ्रॉड का लग रहा है और जो भी आज की जाँच में आएगा वो अवगत कराया जाएगा। छात्राओं के संगठन ने कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया है और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट।